हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम। जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग अपने फिजिक्स ट्रिक से याद करो। देखिए, मैं आज को एक ऐसी ट्रिक लेकर आऊँ, जैसे आप लोग पढ़ते हैं हिंदी में कि हिंदी में किसे अवतल कहते हैं, किसे उत्तल कहते हैं, इसमें तो कन्फ्यूजन होता है। लेकिन जब इंग्लिश में कॉनकेव और कॉन्वेक्स लिख दिया जाता है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा वर्ड है। तो हमें देखो याद करना, कॉनकेव ही वर्ड हमारा बड़ा है तो इसका मतलब अवतल भी बड़ा वर्ड है और कॉनकेव भी हमारा बड़ा वर्ड है। देखिए, कॉनकेव में 7 डिजिट है और अवतल भी बड़ा है, और उत्तल में देखिए कॉन्वेक्स में केवल 6 डिजिट है और उत्तल भी हमारा छोटा वर्ड है। तो जिसमें ज़्यादा मतलब वर्ड वो बड़ा अवतल हो जाता है, और जो कोई बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा वाला होगा। मतलब उत्तल में भी कम वर्ड है और कॉन्वेक्स में भी कम वर्ड है तो ये उत्तल हो गया, और कॉनकेव में भी ज्यादा वर्ड है और अवतल में भी ज्यादा वर्ड है तो ये हमारा अवतल लेंस हो गया। इस प्रकार अगर आप लोगों ने अवतल दर्पण याद कर लिया और कॉनकेव कॉन्वेक्स में आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, जिसमें ज्यादा वर्ड यानी कि ज्यादा वैल्यू होगी तो यानी कॉनकेव ज्यादा वर्ड है तो अवतल हो जाएगा और कॉन्वेक्स कम वर्ड है तो उत्तल हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अवतल का जो हमारा चिन्ह बनता है वो इस प्रकार का हमारा अवतल दर्पण होता है, और उत्तल दर्पण होता है इस प्रकार का बनता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।